ते साधु सिंह धर्मसोत जिन्होंने ठगी मारी है वह ये 64 करोड़ की ठगी तो कदे उन्होंने क्लीन चिट नहीं मिल सकती। और ऑडिट च पहला कहते जी 500 करोड़ का कपड़ा मदद करनी सी घटाता 300 करोड़ 200 करोड़ से ले आए 200 करोड़ भी मुड़ के उन्होंने कालजां फिर पैसे देते इतों स्पष्ट है कि किवें लेन देन होया और ऐसी विद्यार्थियों को पैसे नहीं पहुंचे कि मैं आ बीबी जी ने क्लीन चिट दी है इन्होंने दोवों आशीर्वाद कैप्टन साहब का ध्यान च डी जी पी पंजाब है कि जब पुलिस साढ़े नाल है तो जिन्हों मर्जी क्लीन चिट दे दिए। श्रोमणी अकाली दल वालों बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने अज कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत नूं आड़े हथी लिया है। वजीफे विच होए घपले नूं लैके और रोपड़ दे विच इक नवां खुलासा बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने साधु सिंह धर्मसोत ते कीता है। की खुलासा है आओ सुनदे आ। विद्यार्थियों दे साडियां दे भरावां दे ते बैकवर्ड क्लास विद्यार्थियों दे हक मारन वाला कदे क्लीन चिट कैप्टन साहब आप दे चीफ सैकटरी दे थ्रू 100 वारी दे देन मगर बलविंदर सिंह धालीवाल जेडे उस मौके दे डायरेक्टर सन ते साधु सिंह धर्मसोत जिन्हां ने ठगी मारी है ओ ए 64 करोड़ दी ठगी तो कदे उन्हां नूं क्लीन चिट नहीं मिल सकती। दूजी गल नाल ही इस वजीर ने हुण 60 करोड़ का चूना रोपण च जिहड़ी जमीन की कीमत 90,000 है सर्कल रेट ओनू 9,90,000 च खरीद के दूजी ठगी मारी है। कैप्टन साहब जिन्नियां मर्जियां क्लीन चिट दे देन मगर जिन्हें ने आप दी मतलब करवा के ऑडिटिंग हुई और ऑडिट च पहला कहिंदे जी 500 करोड़ का कपड़ा मदद करनी सी घटाता 300 करोड़ 200 करोड़ ते ले आए 200 करोड़ नूं भी मुड़ के उन्हां कालजां नूं फिर पैसे देते इतों स्पष्ट है कि किवें लेन देन होया और ऐसी विद्यार्थियों नूं पैसे नहीं पहुंचे। CBI इनक्वायरी इंडिपेंडेंट इनक्वायरी जां कोर्ट मॉनिटर्ड होवे जां CBI होवे सच आजू सामने। इवन ए चीफ सैकटरी साहब जिन्हां ने क्लीन चिट दिती है जिन्हां ने कृपा शंकर सरोज दी इनक्वायरी नूं पासे रखता आप दी कमेटी बनाती एक जिन्हें वह पक्ष विचार ही नहीं सारे और करप्शन दे मुद्दे ते बिल्कुल ही चुप कर गए वो सारा कुछ सामने आ जाना। रल मिल के हो रही है एहदे च DGP दी इनवॉल्वमेंट चीफ सैकटरी दी इनवॉल्वमेंट क्लीन चिट देन च कैप्टन अमरिंदर सिंह दा आशीर्वाद ए स्पष्ट हो गया तदे ता बोर्ड जा बनाया आ की दस आ रहा है आही कुछ दस रहा कि मैं आ बीबी जी ने क्लीन चिट दिती है इन्हां दोवां नूं आशीरवाद कैप्टन साहब का ध्यान च DGP पंजाब है कि जब पुलिस साढ़े नाल है तो जिन्हों मर्जी क्लीन चिट दे दिए मगर लोगों के दरबार च बिल्कुल मुद्दा चुकया जाऊगा जी। मैं अपने ये मोढ़िया के गोढ़िया तो बहुत दुखी सी मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकता पर जब तो मैं फ्री रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके जी। तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है फ्री रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फ्री रिलीफ वाले दस्या मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है पर थैंक्स टू फ्री लीव जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जिसे लगान नाल मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो वह भी मैं बड़ा रिलीफ मिले ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।